नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम प्राइम उत्तर प्रदेश। चर्चाएं लगातार चल रही हैं और यहां पर चर्चाओं के बीच में तमाम तरह की सरगर्मी चल रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में 2024 की सरगर्मी के बीच लगातार पार्टियों में नए नए लोगों का जुड़ना जारी है। रवि प्रकाश वर्मा के रूप में पीडीए को साधने की कवायद के बाद आज कांग्रेस ने पूर्व न्यायाधीश शमशाद अहमद को कांग्रेस में जोड़कर बीजेपी की पसमांदा व्यवस्था को नई चुनौती दे दी है। पूर्वांचल से आने वाले शमशाद अहमद आने वाले समय में पूर्वांचल में कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी बन सकते हैं और हो सकता है कि घोसी लोकसभा सीट पर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। फिलहाल कांग्रेस का लगातार बढ़ता कारोबार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा या नहीं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। पर कवायद बहुत तेज चल रही है। इस मुद्दे पर हमने उनसे कुछ खास बातचीत की। कल बड़ा पैतरा रवि प्रकाश वर्मा और आज यहाँ पर शमशाद अहमद पूर्व न्यायाधीश, क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी है अलग एजेंडे पे चल रही है और अपनी जहाँ चुनौती बीजेपी के सामने पेश करने जा रही है? आज जरा हमारे साथ मौजूद जानते हैं क्या वास्तव में ऐसी जो पटकथा चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। ये तो आप जनता का आप देखिए प्यार है और आज हमारे ऐसे वरिष्ठ लोग जिन्होंने पूरा जीवन न्यायालय में अपना दिया, सेवाएं दी, आज जिला जज रहे, आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं शमशाद अहमद साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। रार जो चल रही थी लगातार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्या कहेंगे, इसका विराम होना चाहिए? मेरी तरफ से कोई रार नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपने सबको अपने साथ सबको जोड़ रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारे दरवाजे खुले हैं और हम सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ से किसी से कोई रार नहीं, न किसी से कोई हमारी बैर है, न वैमनस्यता है। आखिरी सवाल, बीजेपी पसमांदा समाज को लेकर तमाम बातें करती है और उनको अपने पाले में लाने की बात करती है, शमशाद अहमद भी पसमांदा समाज से हैं, तो क्या मानते हैं कि पूर्वांचल में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वो लोगों को केवल केवल लालच देकर और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ ला रही है और हम लोग आज हमारे साथ आए शमशाद अहमद साहब। मैंने कहा, मंच से मैंने बोला कि जो जिस योग्य होगा उसको स्थान दिया जाएगा, पद दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। उनका कहना है कि यहाँ पर जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और जो बीजेपी है उसके लगातार हम चुनौती बनने जा रहे हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी में सबका सम्मान है, जिसकी जो ज़रूरत रहेगी, जिसका जो महत्व रहेगा उस हिसाब से पर भी दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी और कांग्रेस का कुनबा जो लगातार बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर चुनाव 24 का है और हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या पता नहीं है, गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। मैं अकेला चलता रहा, लोग जुड़ते रहे, कारवा बढ़ता गया, ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। रवि प्रकाश वर्मा के बाद अब यहाँ पर शमशाद अहमद, पूर्व न्यायाधीश, लंबे समय तक न्याय व्यवस्था में काम करने वाले, अनुभव लेने वाले, आज कांग्रेस के साथ हैं। हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि क्या वजह रही कांग्रेस में आने की और क्या कुछ अलग करने वाले कांग्रेस के लिए। महत्वपूर्ण पद पर निर्वाह किया, अब यहाँ पर तमाम पार्टियाँ रही पर केवल कांग्रेस ही क्यों? चिंतन मनन किया तो हमने ये पाया कि कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी भी समय कोई दूसरी पार्टी इतनी अच्छी पार्टी नहीं रही है। इसकी नीतियाँ, इसकी नीयत, इसके उद्देश्य सब बहुत हाई थे और ये समाज को जोड़ने का काम इसने किया है, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, वंचितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, विमेन एम्पावरमेंट को, और देश में बहुत ही शांति कायम किया है। पसमांदा समाज से आते बीजेपी लगातार पसमांदा समाज की बात करती है, तो क्या मान के चलते हैं कि पसमांदा समाज की बीजेपी का जो एक सवाल है उसको कांग्रेस का जवाब है आपको लेकर? नहीं, उसके अंदर बीजेपी तो दिखावा कर रही है, हम कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है। अभी हमने देखा पिछले इलेक्शन में कर्नाटका में जो जो उन्होंने जो है मैनिफेस्टो में चीज़ें बताई थी, जो प्राविधान किए थे, पहली कैबिनेट उसको पास करा दिया उन्होंने। तो माननीय राहुल जी की या कांग्रेस पार्टी की कथनी या करनी में कोई फ़र्क नहीं है, जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं, अक्षरशः उसका अनुपालन करते हैं, दो तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते। और कांग्रेस में मोहब्बत का पैगाम है, हमारे राहुल जी कहते हैं कि जिसका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो
को पैगाम मोहब्बत का उन्होंने पहुंचाना शुरू कर दिया है, देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। 2019 दोनों समय 17 का चुनाव भी देखा, 22 चुनाव भी देखा, कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं रही। परिणाम आपके सामने है, आपके आने के बाद आपके लिए सबसे पहला उद्देश्य क्या रहने वाला है कि पूर्वांचल में कांग्रेस को किस तरह मजबूत करें? हम सब लोग मेहनत करेंगे मिलजुल के, हमारी एक तंजीम है, संगठन है, उस पर हम लोग काम करेंगे। जो पार्टी हम लोगों को जिम्मेदारियां देगी, हम सबके बीच जाके इंटरेक्ट करेंगे और समझाएंगे कांग्रेस की पॉलिसियों को, लोगों को कन्विंस करेंगे और समाज को जो है जोड़ेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि इसका रिजल्ट हमें मिलेगा और जो है सुशासन कायम होगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, घोसी से आते हैं और लंबा अनुभव है, आपकी पैराइज वहीं पर है, वहीं आपका अनुभव रहा है। मैपुर ये भी है कि घोसी अभी हाल में उपचुनाव हुआ है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है, तो क्या माने कि आगामी लोकसभा चुनाव में घोसी से आपको मौका मिल सकता है? पहली बात तो ये बता दें कि ये समाजवादी पार्टी की अकेली जीत नहीं है, ये जितनी सेकुलर फोर्सेस थी कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ उनके ये जीत है, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये जनता जनार्दन की जीत है, और हमारे क्षेत्र के माननीय कल्पनाथ राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय साहब जो है, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता था, ये उनकी जीत है। ये तो हमारा डोमेन नहीं है ना, हम तो एक सिपाही के नाते जो है जिम्मेदारी मिलती है तो निभाए करेंगे। हाँ, पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे देगी, व्हाट टू टॉक ऑफ कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन, कोई जिम्मेदारी किसी तरह की दे देगी, हम लोग तो डेडिकेटेड जो है समर्पित सिपाही हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, कोई इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन न लड़ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कांग्रेस की विचारधारा और अपनी विचारधारा को हमने कंपेयर किया दोनों को जो है, तो इसलिए पद और ये की लालसा और वो जो इलेक्शन लड़ना ये सब अपना कोई वो नहीं है, हम तो जनता की सेवा करने आए हैं। ठीक ठीक। हमारे साथ शमशाद अहमद का कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा और नीति को देखकर हम कांग्रेस में आए हैं, आने वाले समय में हमको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वाह करेंगे, चाहे वो लोकसभा प्रत्याशी बनने की क्यों ना हो, जिम्मेदारी को निर्वाह करेंगे और यहाँ पर कांग्रेस विचारधारा को बढ़ाते नजर आएंगे। फिलहाल चुनौती बड़ी है और मेहनत बहुत बड़ी है, पर आने वाले समय में होगा क्या वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में नहीं थे, पर एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का कारोबार जैसा बढ़ रहा है, आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। कैमरा पर्सन नीरज आर्य के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर गोंडा से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनपद गोंडा में भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति कठोर कार्रवाई की सिलसिला जारी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के चलते मंगलवार को एक और ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी पर आरोप है कि पहले इंटरलॉकिंग के नाम पर पैसा निकाला लिया और फिर धनराशि आहरित करने के बाद आनन फानन में कार्य कराया, जिसके चलते टेंडर और वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया। आपको बता दें, इस मामले की जांच खंड विकास अधिकारी बेलसर को सौंपी गई है। गौरतलब है कि डीएम नेहा शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते एक सप्ताह में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। बीते शुक्रवार को भी रिश्वत लेने के आरोप में ग्राम पंचायत रायपुर में तैनात तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया था। वहीं भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में ग्राम पंचायत दुलमपुर विकासखंड इटिया ठोक के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार मौर्य को भी, तत्कालीन तकनीकी सहायक दिनेश कुमार शुक्ला, तत्कालीन ग्राम प्रधान उषा देवी को दोषी पाए जाने पर इनसे वसूली और एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी डीएम नेहा शर्मा द्वारा दिए गए थे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। भाकपा साफ तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने युद्ध विराम के लिए ज्ञापन सौंपा। पार्टी का कहना है कि इजराइल में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, वहां बच्चों की हत्याएं हो रही है, ऐसे में भारत को यूएन में फिलिस्तीन का सहयोग करना चाहिए। अयोध्या से, अयोध्या में हर साल की तरह भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम जोरों पर है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी भव्य दीपोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर है। इन्हीं तैयारियों को जायजा लेने के लिए प्राइम टीवी की टीम ने अयोध्या के श्री राम हॉस्पिटल के सीएमएस से मिलकर व्यवस्थाओं और दीपोत्सव के बारे में जानकारी ली। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, प्राइम टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम दीपोत्सव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो हम आए हुए हैं श्री राम हॉस्पिटल के, जो अधिकारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है दीपोत्सव की तैयारियां, हम इन्हीं से बात करते हैं।
जी आपका पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार। दीपोत्सव की जो तैयारियां चल रही है बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, सब लगे हुए हैं कि दीपोत्सव जो है बहुत भव्य लेवल पे जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपकी तैयारियों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये पहले से भी कई सालों से चला आ रहा है और हर वर्ष जो है बेहतर से और बेहतर होता जा रहा है। उसी तरीके से हम लोगों की तैयारियां भी पिछली बार के मुकाबले और इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग द्वारा 10 बेड का एक अलग ही वार्ड रिजर्व किया गया है दीपोत्सव के लिए, और एक आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया गया है जिसमें सभी आवश्यक चिकित्सक और चिकित्सा सामग्री औषधियाँ उपलब्ध हैं। इस लोगों का एक टीम बना रखे हैं और एक आरक्षित वार्ड हमारे पास है, ओल्ड मेडिकल वार्ड, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखे हैं। किसी भी आपदा आने पर पूरी टीम ऑन कॉल रहती है, सब लोकल रहने वाले हैं, 5 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर हो जाएंगे। और इसके लिए हमारे यहाँ इमरजेंसी में भी विस्तृत रूप से तैयारी की जा चुकी है कि कोई भी अगर ऐसी घटना घटती है तो किसी कोई दिक्कत ना होने पाए। अच्छा सर, जैसे कि दीपोत्सव बीतने के बाद में फिर प्रभु श्री राम जी का शिलान्यास होने वाला है, जी जी, तो तैयारियां जो हैं आपकी वो कंप्लीट हैं? जो प्रेशर की एक बात करें कि आप लोग थोड़ा सा टायर्ड भी हो जाते हैं उसके लिए कि लगातार ये लग रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे हम? नहीं तो चूंकि ये पहले तो ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था दीपोत्सव, अब मोदी जी ने योगी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचा दिया है, इसका बड़ा महत्व हो गया दीपोत्सव का, सबकी निगाहें इस पर लगी रहती हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम रहता तो उनके लिए और तगड़ी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रहती है, उनके लिए सेफ हाउस बनाया जाता है, उसमें 8 डॉक्टरों की एक टीम रहती है, जब तक उनका कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा तब तक पूरी टीम हमारे सेफ हाउस में मौजूद रहती है। और संबंधित जो भी दवाएं हैं सारी दवाओं की व्यवस्था हमारे सीएमएस साहब के द्वारा कराई जाती हैं। जैसा कि चिकित्सा की बात करें हम श्रीराम हॉस्पिटल की, तो बहुत चिकित्सा का जो यहाँ पे स्तरोचाक चौबंद है यहाँ पे अयोध्या में, दीपोत्सव की तैयारियाँ जो है वो बहुत जोर शोरों पे चल रही है और प्रभु श्रीराम जी का शिलान्यास की भी तैयारियाँ जो हैं बहुत जोर शोरों पर है। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी अयोध्या। खबर देवरिया से। देवरिया के लार थाना क्षेत्र में रोपन छपरा गांव के पास एक खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इस हत्याकांड का लार पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां लार पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजने की तैयारी में। आपको बता दें, आरोपी अंसारी उर्फ लड्डू मृतक के साथ ही लेबर का काम करता था, जहाँ मृतक शैली ने अंसारी से कुछ रुपये उधार लिए थे। पैसों को लेकर हुई कहासुनी में अंसारी ने ईंट से कूच कर सेरेन को मौत के घाट उतार दिया था। देवरिया में लार थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें 3 तारीख को रोपन छपरा ग्राम में धान के खेत से एक युवक का डेड बॉडी बरामद किया गया था। इस संबंध में सुनगन धाराओं में अभियोग थाना लार पर पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण को पूरे तरीके से लार पुलिस द्वारा इसका खुलासा कर लिया गया है, और ये जो सामने बात आई है वो ये है कि जो एक्यूज्ड है वो भी मृतक जहाँ का रहने वाला है, थाना श्रीरामपुर के अंतर्गत जिस गांव का, उसी गांव का आरोपी भी रहने वाला है, और ये लोग साथ में थे और साथ में इन लोगों ने पहले शराब पिया और इसी दौरान मजदूरी के लगभग 12,000 जो रुपए थे उसके विवाद को लेकर अक्यूज्ड ने मृतक के सर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अगली खबर हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र से है, जहां पर दामूपुरवा गांव में बीते कल नहर में लापता हुए बच्चे का शव पुलिस को बरामद होकर लिया है। कल नहर के गहरे पानी में 7 साल का मासूम डूब गया था, जिसके बाद से ही गोताखोरों की टीम बच्चे की तलाश में लगी हुई थी। वहीं पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ परिजनों का इस घटना के बाद रो रो के बुरा हाल है। खबर अयोध्या से। अयोध्या में दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस दीपोत्सव में करीब 18 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के रामनगरी में दीपोत्सव मनाने के अयोध्या एक बार फिर से तीता युग की तरह याद दिलाने वाला है। वहीं अयोध्या दीपोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए लखनऊ के कान्हा उपवन में भी विशेष तैयारियां चल रही हैं। यहाँ से करीब 50,000 गोबर के बने दिए अयोध्या भेज दिए गए हैं। खबर संभल से। संभल में अपर जिला जज ने हत्या की दोषी महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के कुल फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का, जहां पर 15 अप्रैल 2019 को बेचेटा गांव में एक युवक सत्यवीर की उसकी पत्नी ने पेट्रोल छिड़का
आग लगाकर हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा मृतक के भाई ने दर्ज कराया था, जिसके आधार पर हुई सुनवाई के आधार पर आज अपर जिला जज ने हत्या की आरोपी महिला को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये मामला 15/4/2019 का है। एक जो मुलजिम है इस मामले की, प्रेमश्री, उसने अपने पति को सोते समय सुबह 6 बजे लिहाब पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, और वो इसलिए आग लगाई, उसने वो अपने पति को कहती थी कि तू काला है और मैं गोरी हूँ, और ये सब उसने कहते हुए उससे कई बार लड़ती थी, रोज उससे लड़ाइयाँ करती थी और कहती थी किसी दिन मैं तुझे आग लगा के मार दूंगी। ये घटना उसने 15/4/19 को सुबह 6 बजे अंजाम दी। उस समय मृतक के जो पिता थे और भाई थे वो गेहूँ काटने खेत पर गए हुए थे, और घर का बाहर से उसने कुंडी लगा दी थी और अंदर ले जाकर के पेट्रोल की केन उड़ेल दी और माचिस की तिल्ली डालकर उस पर आग लगा दी थी। न्यायालय के द्वारा न्यायालय अशोक कुमार के न्यायालय में इसका विचारण हुआ है, और जिसका सारे गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम प्रेमश्री को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऐसे लोगों के जो क्रूरतम अपराध करते हैं ऐसे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और जो भी इस तरह का अपराध किया हुआ है उनके लिए ये नसीहत है। खबर आगरा से है। ताजनगरी आगरा में अब रूफटॉप पर ताजमहल के मोहक नजरों के दीदार और लजीज व्यंजनों के स्वाद के साथ सिनेमा भी देख सकेंगे। फतेहाबाद रोड पर होटल आईटीसी मुगल के सामने सेरा सेरा के छोटू महाराज डोम सिनेमा का शुभारंभ हुआ। यहां बच्चों के लिए किड्स जोन भी बनाया गया है। गायत्री बेंचर्स द्वारा बनाए गए डोम सिनेमा का शुभारंभ अपर पुलिस आयुक्त केशव चौधरी और डीसीपी सिटी सूरज राय ने फीता काटकर किया। बॉम्बे हेड ऑफिस से हूं, डायरेक्टर सेल्स। छोटू महाराज सिनेमा का एक्सपेंशन कम्प्लीटली मैं देखता हूँ। छोटू महाराज सिनेमा एक अनोखा डोम शेप का सिनेमा कैफे है, जो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे एशिया में वन ऑफ द काइंड है। ये FRP मटेरियल से बनाया जाता है, ये सेमी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में आता है। ये इसको एक प्लेस में जाके इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके अंदर दो फॉर्मेट है, 100 सीटिंग कैपेसिटी और 150 सीटिंग कैपेसिटी है। जैसे कि आपने देखा ही है कि इसकी जो स्क्रीन है वो कर्व स्क्रीन है। देखिए साहब, हमने ये मल्टीप्लेक्स यहाँ ओपन किया है, और ये हमारा फतेहाबाद रोड पर मुगल के सामने ये मैक्स के ऊपर बनाया है हमने, और इसमें हमारा मूवीज़ का एक थिएटर बनाया है जो कि लगभग 150 सीटर है, और इसके साथ में हमने फूड कोर्ट दिया है, बच्चों के लिए गेम जोन दिया है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती थी जिन्हें बच्चों को टॉयज चाहिए, इंजॉय करना है, घूमना है, तो वो हमने सारी सुविधाएँ यहाँ रखी है। इसके साथ में हमारा एक यहाँ पर एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट हमने दिया है। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।